नमस्कार, कुंजी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये राजस्थानी दाल बाटी चूरमा बनाना बताऊंगी। लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, बाहर से कुछ अच्छा मंगा के खा नहीं सकते, तो क्यों ना घर में ही कुछ स्वादिष्ट सा खाना बनाएं जो सभी को पसंद आए। आज हम ये दाल बाटी चूरमा बनाएंगे। बहुत ही आसान है, आप इसे कुकर में या कढ़ाई में भी बना सकते हैं, हम इसे ओवन में बनाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसके बारे में कमेंट्स लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देखते हैं दाल बाटी चूरमा कैसे बनाते हैं। ये सबसे पहले हम दाल बना लेते हैं। तो हमने ये चार तरह की दाल ले ली है। आधा कप हमने तुअर दाल ली है और इसके अलावा हमने ये एक चौथाई कप उड़द दाल, एक चौथाई कप चना दाल और एक चौथाई कप हमने ये मूंग की दाल ले ली है। सारी दालों को हम धो के साफ कर लेते हैं, लिक में मिक्स करके हम इसे धो लेते हैं। दाल को हम कुकर में डाल देते हैं, हमें इसे उबालना है। 1.5 कप हमने इसमें पानी डाल दिया है, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच हम इसमें नमक डाल देते हैं और इसे हम उबाल लेते हैं। दाल को हम एक सीटी आने के बाद 5-6 मिनट धीमी आंच पे अच्छे से गल जाने तक पकाएंगे। तो दाल हमारी जब तक पक रही है हम आटा लगा के तैयार कर लेते हैं। तो बाटी के आटे के लिए हमें 2 कप आटा हमने लिया है, इसमें हम 1/2 कप सूजी मिलाएंगे, 1 छोटा चम्मच नमक हम इसमें मिलाएंगे, 1/2 चम्मच हम इसमें अजवाइन मिलाएंगे और 2 बड़े चम्मच हम इसमें घी मिलाएंगे। इसमें घी ही मिलाएं, ऑयल से उतना अच्छा नहीं लगता है, घी का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। तो पानी मिला के हम थोड़ा सॉफ्ट सा आटा गूंद लेंगे, बहुत हार्ड नहीं रखना है आटा हमें, थोड़ा नॉर्मल जैसा कि हम रोटी पराठे का गूंदते हैं उससे थोड़ा सा चाहे तो हार्ड रख सकते हैं। सूजी डाली है हमने इसमें, थोड़ी देर में ही आटा थोड़ा सा हार्ड ही हो जाता है क्योंकि सूजी पानी सोख लेती है। अच्छे से हम आटे को गूंद लेंगे। ये देखिए, ये बाटी का आटा हमारा तैयार हो गया है। अब हम चूरमा का आटा तैयार कर लेते हैं, इसे साइड में रख देते हैं। तो चूरमा के आटे के लिए हम 1/2 कप आटा ले लेते हैं, इसमें 1 बड़ा चम्मच हम सूजी मिलाएंगे और 1 चम्मच घी मिलाएंगे और ये आटा हम ऐसे ही गूंद लेते हैं। ये देखिए, ये दोनों आटे को हम 10-15 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं, तब तक तड़के का सामान तैयार कर लेते हैं। तड़के के लिए हमने 2 प्याज बारीक काट के ले लिए हैं, 4 हमने हरी मिर्च स्लिट करके ले लिए हैं, 6-7 लहसुन, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 हरी मिर्च को हमने चॉप करके ले लिया है, 2 टमाटर हमने चॉप करके ले लिए हैं। इसके अलावा मसालों में हमने 3 लाल मिर्च, 3 हमने छोटी इलायची, छोटा सा हमने दालचीनी का टुकड़ा, 3-4 लौंग हमने लिए हैं, 1/2 छोटा चम्मच हमने लाल मिर्च ली है, 1/4 चम्मच हींग, 1 चम्मच जीरा और ये 3-4 हमने तेज पत्ते ले लिए हैं। तो इससे हम दाल का तड़का बनाएंगे। तो दाल उबल जाएगी तब हम उसमें ये तड़का लगा के तैयार करेंगे। तो जब तक के हमारी दाल तैयार होती है हम ये बाटी के आटे को एक बार फिर से मसल लेते हैं और इसकी हम बाटी बना लेते हैं। तो छोटी छोटी बाटी बनाएं, बहुत बड़ी ना बनाएं। आप जैसे रोटी के लिए लोई बनाते हैं उसी तरह से छोटी छोटी लोई बना लें। चूरमा की बाटी हम थोड़ी सी बड़ी बनाएंगे जिसमें वो पहचानने में दिक्कत ना हो। तो बाटी हम ओवन में बनाएंगे, तो सारी बाटी हम बना के और ट्रे में लगा देते हैं ओवन की ट्रे में। ये हमने चूरमा की आटे से भी बाटी बना ली, तो थोड़ी बड़ी बनाई है। ये देखिए सारी बाटी हमने ओवन की ट्रे में लगा दी है। तो ओवन को हमने प्री हीट होने के लिए 200 डिग्री सेल्सियस पे हमने इसे ओवन को प्री हीट करने के लिए लगा दिया है। बाटी के ऊपर हम थोड़ा सा घी लगा देते हैं और इसे हम ओवन में रखेंगे। तो चलिए हम तड़का तैयार कर लेते हैं जब तक हमारा ओवन प्री हीट होता है। हम 2 चम्मच हमने घी डाला है, घी में सारे खड़े मसाले डाल दिए हैं। ये जो हमने लंबाई में स्लिट करके जो मिर्ची रखी थी इसे हल्का सा फ्राई करके हम निकाल लेते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा हम ये नमक डाल देंगे, ये मिर्ची खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। तो ये खड़े मसाले हमारे पक गए हैं, अब इसमें हम प्याज अदरक लहसुन वाला जो मिक्सचर है ये भी हम सब डाल देते हैं, अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए ओवन हमारा प्री हीट हो गया है, इसमें हमने बाटी को रख दिया है। प्याज हमारा अच्छे से देखिए ब्राउन हो गया है, टमाटर डाल के भी हमने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है, तेल हमारा अलग होने लगा है। ये देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है, तो हम इसमें दाल डाल देते हैं। दाल हमारी अच्छे से बॉयल हो गई है और गल गई है। देखिए दाल एकदम अच्छी सी इस तरह से गल जानी चाहिए। तो जब ओवन में हम जो बाटी रखी थी 10 मिनट बाद हम इसे इस तरह से पलट देंगे, दूसरी साइड से भी अच्छे से सिक जाए। दाल में एक अच्छा सा बॉयल आ जाने देते हैं। तो दाल बॉयल हो गई है, अब हम इसके ऊपर एक छोटा सा तड़का लगाएंगे। 1 चम्मच घी में हमने
एक चौथाई चम्मच जीरा डाला है और ये जो लाल मिर्च हमने ली थी ये डाल के हम ये दाल के ऊपर ये तड़का डाल देते हैं। ये तड़के से दाल बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो हमारा दाल तैयार हो गई। ये देखिए बाटी भी कितनी अच्छी एकदम क्रिस्पी सिक्के तैयार हो गई हैं। ये हमारी चूरमा वाली बाटी है तो इसका हम चलिए चूरमा बना लेते हैं। चूरमा बनाने के लिए हम मिक्सी में ये बाटी को डाल देते हैं। थोड़े से हमने ये काजू और बादाम भी इसमें ले लिए हैं, ये बाटी के साथ ही पिस जाएंगे। ये बाटी को तोड़ के हमने इसमें डाल दिया है और ये देखिए ये बाटी का चूरा तैयार हो गया है। इसमें हम आधा कप पिसी हुई चीनी मिलाएंगे, तो आप चीनी अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक चम्मच हमने इसमें घी मिलाया है और थोड़ा सा इलायची पाउडर मिला के हम इसके लड्डू बना लेंगे। आप चाहें तो ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, नहीं तो लड्डू बना के सर्व कर सकते हैं। इसके हम लड्डू बना लेते हैं। ये देखिए बहुत ही आसानी से लड्डू बन जाते हैं। ये लड्डू हमारे चूरमा लड्डू बन गए हैं। तो चलिए अब हम बाटी को तोड़ के और इसे भी सर्व करते हैं। बाटी को इस तरह से हाथ से हम क्रश करेंगे और इसे घी में डिप करके हम सर्व करेंगे। तो ये बन गया हमारा दाल बाटी और चूरमा। तो बस गर्मा गर्म बाटियाँ दाल के साथ सर्व करेंगे हम। ये देखिए ये दाल बाटी और चूरमा लड्डू हमारे बनके तैयार हो गए। बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं और आपने देखा कितना आसानी से आप बनाना। आप भी इसे घर में जरूर बनाइए, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके बारे में कमेंट्स लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल का सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।